हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास एक आई कॉपी, दोस्तों ये जो आई कॉपी है ये हो गया है डेड, जो है कि बंद हो गया है, ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है, ये डिवाइस जो है कि बंद हो गया है। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है ये मेरे किसी जान पहचान के दुकानदार का है। तो दोस्तों देखिए मैं चार्जिंग केबल से भी लगा कनेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो डिवाइस है ये मेरे कि चार पहचान के जो है कि दुकान का है, दुकानदार का है, तो उन्होंने मेरे को दिया है कि ये आई कॉपी जो है कि ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम इसमें आई थी ये पता नहीं कैसे, ये क्या कह रहे थे कि अपडेट करने के बाद, अपडेट करने के टाइम ये बीच में डिसकनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये जो है कि डिवाइस डेड हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये केबल जो है कि लग भी नहीं रही है, तो दोस्तों शायद ऐसी लगती होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बत्ती जो है वो हल्की हल्की जल रही है। ठीक है, और दोस्तों जो स्क्रीन पे जो लाइट होती है वो ब्लिंक हल्की सी आती है, बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो दिक्कत है इसमें आ रही है, यहाँ से देखिए बटन दबाता हूँ, देखिए बत्ती तेज़ हो रही है। ठीक है, ये देखो डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे लैपटॉप में भी यहाँ पे यूएसबी डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है कि इसमें आ रही है। देखिए दोस्तों मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ लेकिन इसमें लाइट चल रही है, लेकिन दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को जो अगर डेड हो जाए अपडेटिंग के वक्त, तो आप उसे कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिस जिसके बारे में डिवाइस होगा उनको फ्यूचर में ये दिक्कत जरूर आएगी कि अपडेट करने का टाइम ये ऐसा हो जाए। दोस्तों ज़्यादातर दिक्कत जो है कि अपडेट करने का टाइम ही आती है, बीच में अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो ये ऐसी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि डेड हो गया तो इसे ठीक कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप में दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसका QLC रिपेयर नाम का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इससे पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है कैसे इसको अपडेट करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो QLC है ये आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको ऑन करके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ से, ठीक है क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको यस करता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से इसको ऑन करना है। यहाँ से फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों कि ये QNLE कुछ नाम है, चाइनीज कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर आपके सामने जो है कि आपके लैपटॉप PC में दिखाई देगा। ओके दोस्तों, इस मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है कि एक डिवाइस को यूज़ करने में काम आता है। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें जाता हूँ अपडेट में। दोस्तों ये डिवाइस को जो है कि अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों डिवाइस अपडेट के टाइम ही बंद हुआ है तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है अपडेट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक फाइल खुल जाएगी इस तरीके की। तो दोस्तों यहाँ करना क्या है, देखिए दोस्तों ये डिवाइस जो है कि कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ कनेक्टेड डिवाइस है, केबल लगी हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है डिवाइस इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, लेकिन दोस्तों डिवाइस तो कनेक्ट है लेकिन यहाँ पे डिसकनेक्ट बता रहा है। तो दोस्तों अब ये कैसे हमें ठीक करना है कि इसका यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक फाइल होती है, जो एक फाइल फोल्डर है, हमें वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट का एक वर्जन आता है, वो हमें यहाँ से वेबसाइट से जो है लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विजिट ऑफिशियल, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से हमें ये अपडेट जो है कि नया लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये जो डिवाइस यहाँ पे है इसको आप इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके आपके जो ब्राउज़र है उसमें ये खुल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनकी वेबसाइट है वो खुल गई है। दोस्तों अगर आपको समझ ना आए तो कैसे करना है, दोस्तों आप इनकी वेबसाइट जो गूगल पे जाके आप इनकी वेबसाइट का एड्रेस का नाम डाल दीजिए, वहाँ पे भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। दोस्तों आपको वेबसाइट का जाननी है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है www.QIANLE, ऐसे कुछ वेबसाइट है, ये आप देख लीजिए, यहाँ से इसको डाल लीजिए तो गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है सॉफ्टवेयर, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप PC में इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरे पास तो है लेकिन मैं करूँगा नहीं। दोस्तों कोई क्या करना है, यहाँ से अपडेट करना है। तो देखिए दोस्तों ये है डिवाइस आई कॉपी, तो यहाँ का देखिए लिखा हुआ है फ्रेमवेयर जो इसका अपडेट है वो है। ठीक है, तो आपको जो है डिवाइस जो है कि डाउनलोड कर लेना है अपडेट, उसके बाद आपको अपने फाइल फोल्डर में जाना है। ओके, तो दोस्तों जब यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको यहाँ पे फोल्डर बना हुआ आएगा, ये आई कॉपी प्लस का फोल्डर है। दोस्तों ये जो फोल्डर है ये विन रेयर में आएगा, तो आपको वहाँ से सेव करना है। तो दोस्तों अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आई कॉपी प्लस 2.4 जो है कि इसका अपडेट जो है वो आया हुआ है, जो हमने डाउनलोड किया है। तो इसको मैं करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो दोस्तों ये दिखा दिया मैंने आपको। यहाँ से मैं इसको वेबसाइट खोलता हूँ, उसके जो इसका सॉफ्टवेयर है वो खोलता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो साइट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से मैं जब लिंक को जो है कि यहाँ पे सी आउट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं सीक आउट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे फिर फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसका जो फाइल है वो खुल जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है आई कॉपी का जो डेस्कटॉप पे फोल्डर है यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको ओपन। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये आ गया, ये जो एड्रेस है सॉफ्टवेयर का ये सारा इसमें लिंक जो है इसमें आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यही लिंक हमें चाहिए होता है, ये अपडेट है। तो अब इसके बाद दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा अपडेट। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड माय डिवाइस, दोस्तों यानी कि ये डिवाइस अब अपग्रेड करना है। ओके तो चलिए मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अपडेट करने के लिए अब क्या करना है, हमें डिवाइस कनेक्ट करना होगा। और डिवाइस हम कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है अभी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बता रहा है, लेकिन दोस्तों करना क्या है, कैसे इसको कनेक्ट करना है। ओके दोस्तों, ये जो इसके बटन है दो, ऑन ऑफ के बटन और रीड का बटन, दोनों एक साथ आपको प्रेस करने हैं, और जो चार्जिंग केबल है वो भी एक साथ सेम डे पर लगानी है। ठीक है, चलिए मैं इसे करता हूँ दोस्तों, फिर दिक्कत होगी अभी, क्योंकि दोस्तों मेरे एक ही हाथ से काम करना पड़े, खास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमें दोनों के बटन एक साथ प्रेस करने हैं। ठीक है दोस्तों, जी मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया बटन, और यहाँ से मैं केबल लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, केबल लगा दिया यहाँ से मैंने, और देखिए ये आ गया अपडेट। अब आपको छोड़ देना है दोस्तों, जैसे अपडेट का ऑप्शन आया वैसे ही आपको तुरंत ये बटन छोड़ देने हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हो गया कनेक्ट, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस इज़ कनेक्टेड। ठीक है दोस्तों, अभी जो यहाँ पर डिस्कनेक्ट था वो यहाँ पर कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइस देखिए कनेक्ट हो चुका है, अपडेटिंग चल रहा है। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर करना है सिंपली अपग्रेड माय डिवाइस पे। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ नीचे से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कोई एरर शो कर रहा है, यानी कि दोस्तों कोई दिक्कत है जो अभी ये अपग्रेड नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो चलिए पहले मैं इसको की फाइल जो है कि काट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कभी भी ऐसा हो कि अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है, एरर कोई आ रहा है, तो आप टेंशन मत लेना, अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है, या फिर जो सॉफ्टवेयर है इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर को मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। ओके तो इसको ओपन करता हूँ यहाँ से डिवाइस, दोस्तों अपना डिवाइस डिस्कनेक्ट नहीं करना, आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अब यहाँ से ये होगा ओपन। थोड़ा टाइम लगा था दोस्तों ये सॉफ्टवेयर, देखो दोस्तों डिवाइस यहाँ पे ऑन है, इसको ऑन ही रहने दें, इसको डिस्कनेक्ट मत करना। ठीक है, यहाँ पे अब ये एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं दोबारा से करते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं। ओके तो यहाँ से करते हैं इसको ओके साइन इन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आ गया इसका यहाँ फाइल, दोबारा से हम इसकी फाइल को जो है कि सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसका अपडेट है वो करता हूँ यहाँ सेलेक्ट। ओके अब यहाँ से करते हैं माय अपग्रेड माय डिवाइस पे, तो क्लिक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नीचे अब यहाँ पे कम्प्लीटली अपडेट जो है कि हो रहा है, देखिए यहाँ पे होते 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 अब यहाँ पे हो गया। ओके तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डिवाइस जो है कि अब चालू हो गया है। तो फाइनली दोस्तों ये डिवाइस को मैंने जो है कि ऑन कर दिया है, और ये अब चालू हो चुका है। देखिए आपके सामने डिवाइस अब बिल्कुल चालू है, अब कनेक्ट चालू है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है डिवाइस इज़ कनेक्टेड, अब हम इस पर कोई भी मर्जी काम जो है कि इस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके पास भी आई कॉपी है वो डेड हो जाता है तो किस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।